दूर बॉलीवुड के शहर में एक डायरेक्टर था जिसका नाम था विकास बहल। उसने एक रियलिस्टिक फिल्म बनाई क्वीन। क्वीन को सभी ने बहुत पसंद किया, क्रिटिक्स और नॉन क्रिटिक्स, इंटेलिजेंट और बुद्धू ने। पर फिर डायरेक्टर उदास सा हो गया। इतनी सारी तारीफें मिलने के बावजूद वो बोर हो गया और फिर उसने सोचा क्यों ना कुछ अलग करें। तभी उसने सारे कपूर इकट्ठे किए, हॉटेस्ट भट्ट को बुलाया और बना दी शानदार। पर मेरी प्रॉब्लम है, एडिटर क्यों था फरार? शानदार 145 मिनट्स लंबी है, एक फैंटेसी फेरी टेल कहानी है जहां डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है एक बड़े से महल में। गुस्से वाली दादी है सुषमा सेठ और एक तंग करने वाली मम्मी निकी अनेजा। प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो ये फिल्म दो इंसोमनियाक्स शाहिद और आलिया के बारे में, जिन्हें रात को नींद नहीं आती। पर जब हम ये फिल्म देखते हैं ना, तो देखते देखते हम ही सो जाते हैं। तुम देखो, सो जाओ। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो इस फिल्म में बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, गाने अच्छे हैं, बढ़िया सिनेमेटोग्राफी है और परफॉर्मेंसेस, क्या कहने। जब हम सो जाते हैं तो ठीक है, पर जब आँख खुलती है ना तो बहुत मजा आता है। शाहिद और उनके ऑफ स्क्रीन डैड पंकज कपूर और आलिया और उनके ऑन स्क्रीन डैड पंकज कपूर को साथ में देखने में। आलिया और सना कपूर जो दोनों बहनें बनी हैं वो भी कमाल है। इतनी विजुअली स्टनिंग होने के बावजूद ये फिल्म क्वीन नहीं है, सबको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर आप आलिया या शाहिद के बहुत बड़े फैन हैं या आप उन बड़े बच्चों में से हैं जो अभी भी छोटों की कहानियां पढ़ते हैं, तो शायद ये फिल्म आपको अच्छी लगी। इसलिए मैं शानदार को दे रही हूँ 3 queens out of 5। और बाकी बचे हम तो भाई इसी इंतजार में हैं कि कब विकास बहल अपनी फैंटेसी नींद से जगेंगे और एक रियल फिल्म बनाएंगे।